Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, Namaskar. IBPS PO 2018 के examinations की घड़ी आ चुकी है. Prelims यानी पहले चरण का examinations इस शनिवार और रविवार से शुरू होने वाला है, जिसके लिए All India candidate तैयार हो चुका है. लेकिन प्रिपरेशन किस मुकाम पे पहुंच चुकी है, क्या अभी और कसक रह गई है, या क्या लास्ट टिप ले सकते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए, उसके लिए भी हम थोड़े से परेशान जरूर हैं, अंदर ही अंदर या फिर डायरेक्टली. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार मेरे से बात कर रहे हैं, चाहे वो मेरे लाइव कोर्स से हो, यूट्यूब के चैनल से हो, या फिर मेरे ऑफलाइन कैंडिडेट हो. सभी लोगों के मन में बस यही बेचैनी है कि क्या स्ट्रेटजी एट लास्ट 3 days के लिए हम अपना लें, किस सेक्शन को एक बार हम रिवीजन कर लें या सीख लें, जिसकी वजह से हमारा पेपर में जो अटेम्प्ट करने के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ जाए. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं श्याम असारे testbook.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे यह वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम सभी लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे लास्ट के 3 days ऐसा क्या कर लें जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए IBPS PO 2018 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस जो इस सप्ताह स्टार्ट होने वाले हैं. इस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, IBPS PO 2018 के प्रीलिम्स में रीजनिंग के सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 35, जिसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वह है 20 मिनट्स का. यानी इस 20 मिनट में हमें 35 में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हिट करने हैं जिससे हम अपने आप को सिक्योर कर लें रीजनिंग के फील्ड में, और बाकी सब्जेक्ट अगर हमारा कमजोर है दैट कंपैरिजन टू रीजनिंग, तो हम यहीं से उस सेक्शन की भी भरपाई कर सकें. तो इस काम को करने के लिए हमें थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी होगी. स्ट्रेटजी के मैं 2 सेक्शन डिवाइड करता हूं. एक होता है क्वेश्चन सिलेक्शन और दूसरा होता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, यानी किस टाइम हमें किस टाइम में कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना है. 20 मिनट फाइनल है, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. तो टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ क्वेश्चन सिलेक्शन, ये दो के दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बनेगा तो हम एक अच्छा क्वेश्चंस ग्रैब कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रैब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्किंग अच्छी हो सकती है और हम सिक्योर होते जाएंगे. इसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और कैसे इस पे वर्कआउट कर ले इस 3 दिनों में, वो सब कुछ ये रहा आपके सामने. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, उसे मैंने कुल टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया सारे 35 क्वेश्चंस को. वो 3 कैटेगरी हमारे पास ए 100%, बी 50-50% एंड सी 0%. ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लगभग हर एक एग्जामिनेशन पे ध्यान में हमें रखना होता है. यह मैं पर्सनली एक एक कैंडिडेट को बताता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए यह वीडियो बना गया आपके सामने डिलीवर किया ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए. जब भी आपको मोटिवेशन या आपको स्ट्रेटजी की जरूरत पड़े, यह वीडियो आप उसे देख लें और दिखा दें अपने कैंडिडेट्स को. तो यह सिर्फ टारगेट अपने पास मिशन IBPS PO 2018 ही नहीं है, साथ ही साथ आप कोई भी पेपर देने जाएं तो इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें. ये प्रिलिम्स की स्ट्रेटजी है, इस बात का ध्यान रखिएगा. मैंने बात करी कि मैंने 3 कैटेगरी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए हुए. ए जो 100% का मतलब ये होता है जिस वे सारे सेक्शन जिसे ऑल इंडिया कैंडिडेट करता ही करता है, गलत हो या सही हो बात की बात है, लेकिन उसे वो आता है, वो उसे अटेम्प्ट करता ही करता है. यह मैं सबसे पहले नंबर पर रखूंगा, इसे भी आपको करना ही करना होगा. क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट अगर किसी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहा है, वो सेक्शन क्या क्या है अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में. अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट 100% वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहा है तो आपको एटलीस्ट उनके बराबर जाना होगा, फिर उनको ओवरटेक करना पड़ेगा, फिर आपको टॉप करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन बनता है. तो इसके लिए भी हमारे पास जो स्ट्रेटजी वो ध्यान रखिए क्या, कि सबसे पहले हमें उन क्वेश्चन का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो ऑल इंडिया कैंडिडेट करता है 100%, यानी 100 सारे कैंडिडेट जो एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करके वो अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है तो ये सेक्शन वो अटेम्प्ट करेगा. वो हमें भी करना होगा, हमें बहादुरी नहीं दिखानी है कि हम वे क्वेश्चन पहले कर लें जो कोई नहीं कर सकता, वैसे वाले नहीं करने, आपको पहले वो करने जो सभी कर सके. दूसरे नंबर पे हमें आने 50-50%, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट में से 50% कैंडिडेट यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या उनके सही होते हैं या उनको आते हैं, और 50% को या तो नहीं करते हैं, या तो नहीं आते, या तो नहीं कर पाते हैं. तो ये 50-50% का सेक्शन, मैं बताऊंगा भी कि इनमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं जिसे आपको सेकंड नंबर पे रखना है. थर्ड हमारे पास सबसे लास्ट में आता है, दैट इज 0%. वो बहुत कम बच्चा अटेम्प्ट आज तक करता रहा है, आगे करेगा भी, उस पर आप तब आएंगे जब ये 2 बैरियर आप क्रॉस कर लेंगे, तभी इस नंबर पे आपको आना है. अब इनमें क्या क्या टॉपिक है वो आप लोग फटाफट आइए सीख लेते हैं.
आ जाइए हम सभी लोग देखें सबसे पहले उन सेक्शन को जो 100% बच्चा कैंडिडेट अटेम्प्ट करता ही करता है। सभी भी स्टार या एस्ट्रिक लगा हुआ ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि वो उनसे हो ही जाए, वो कर तो लेता है लेकिन करता है जरूर से जरूर। जैसे वर्बल सेक्शन जो हमारे पास होता है उसे मैं 100% के कैटेगरी में रखता हूं, जिसे अटेम्प्ट करता ही करता है बच्चा, यानी कि अल्फाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ये ऐसे टॉपिक है जिसके लिए बच्चा अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन, ठीक है, उसे हिट करता है। वो सही या गलत होगा वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर पे डिपेंड करेगा, क्लियरेंस पे डिपेंड करेगा कि वो उसे सही कर पाएगा या नहीं। लेकिन अटेम्प्ट क्या करता है, इन सभी टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करता है जो मेरा एनालिसिस है। तकरीबन लॉट्स ऑफ कैंडिडेट मान के चलो जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, अब ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कनेक्शन बन गया है कैंडिडेट के साथ, अब एक अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक को अटेम्प्ट करता है। आप भी अगर देख रहे होगे ये वीडियो तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होगे कि सर ये टॉपिक तो हम भी करते हैं, सारे करते हैं, तो ये 100% कैंडिडेट करता ही करता है। तो आपको भी यह सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना होगा, हिट कर देना होगा जो ऑल इंडिया कैंडिडेट कर रहा है, उसके बाद 50% पे, उसके बाद 0% पे बढ़ेंगे। उल्टा चलना होता है इसमें साइकिल, ऐसा नहीं 0 से 50 टू 100% जाए, उल्टा नहीं करना, इसमें ध्यान रखें। वे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए जो ऑल इंडिया कैंडिडेट करता है, यानी इन सेक्शन पे आपका परफेक्शन चाहिए, ये हो गया पहला स्टेप। आते हैं दूसरे स्टेप पे, 50-50%। पार्ट नंबर सेकंड के बारे में बात करें, 20 पार्ट जो मैं बात कर रहा था कि सेकंड नंबर पे हमें जो अटेम्प्ट करने वाली बात है वो आती 50-50%। 50-50% का मतलब फिर से समझा दे रहा हूँ, वे क्वेश्चंस, वे टॉपिक, वो सेक्शन जिसे ऑल इंडिया कैंडिडेट सभी नहीं अटेम्प्ट करते, कुछ अटेम्प्ट करते हैं कुछ नहीं अटेम्प्ट कर पाते, उसे मैं 50-50% के कंसिडरेशन में रखता हूँ। मतलब ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट, ये चार को मैंने इस टॉपिक के रेंज में रखा जो कि प्रीलिम्स में आने के लिए पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रिपरेशन इनकी रखिएगा, क्योंकि इन दोनों पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर इज यस भी, नो भी, दोनों भी है। 50-50% एज यूजुअल जो मैंने बोला अभी, 50-50% के चांसेस हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उससे हो ही जाए, 100% नहीं है श्योर, तो वो वाले सेक्शन जो होते हैं वो अटेम्प्ट करके आंसर टिक करता ही है, दैट्स व्हाई वो 100% थे। ये 50% है कि कर रहा है, कंफ्यूजन सर जो मैंने आंसर लेके आया वो ये ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहे, तो वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। ये पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ये ऐसा कुछ होता है जिसे 50-50% कंसिडरेशन रखेंगे। इस पे आपको सेकंड नंबर पे आना है, ध्यान रखिएगा बात, लगातार मैं बोल रहा हूँ, 4 बार बोला 6 बार बोला 10 बार बोला 100 बार भी बोलूंगा यही बात कि पहले वर्बल सेक्शन पे मार्क्स आप ग्रैब कर लीजिए, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आएंगे, वहां से बढ़ भी सकता है। घटने की बात करें तो सिर्फ 2 या 3 नंबर घटेगा, यानी 12 से 15 क्वेश्चंस आपके पास वर्बल से होंगे। इनकी बात करें तो 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चंस इन सेक्शन से आ सकते हैं, और डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आपके पास आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर ये आएगा भी तो 50-50% का कंडीशंस ये एक्वायर करते हैं कि 50% चांसेस है कि आपसे हो जाए, 50% ना हो। तो ऑल इंडिया अगर बच्चा इस पार्ट पे है तो हम भी 50% पे क्यों पहले ही जंग लड़ें। बहुत सारे बच्चे ईगो प्ले लेते, सामने आ गया पहला पजल दिख रहा है, सर बॉक्स बेस्ड पजल तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, शुरू हो गए, आता है ना, तो आएंगे इस पे कब आएंगे, जो वर्बल का सेक्शन अटेम्प्ट कर लेंगे फिर उसके बाद इस पे आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बाद में बच्चा बोलता है सर आपकी स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया होता तो अब ज्यादा नंबर रहे होते, तो उसी चीज से बच्चे भाई देखो सीधी सी बात है, ये भी आ रहा वो भी आ रहा, क्यों ना उसे कर ले जिसमें आप श्योर 100% डैम श्योर है कि इसका आंसर हम अगर मारेंगे तो हो जाएगा, आप उस पे से होते हुए आइए और यहां तक जाइए। निगेटिव थिंकिंग और बाकी लोगों की बातें साइड में कर दीजिए, अभी फिलहाल एग्जाम आपका है, आपको अपने हिसाब से देखना है और वो चीज देखिए जो परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नोटंकी नहीं सुनना किसी के बाद, बस ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले सेक्शन के लिए, 0%। यस, हम लोग आगे हैं अब 0% पे, सी वाले पॉइंट पे आ गए हैं, 0%। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है कि एक्चुअल में 0% वे टॉपिक होते हैं जिसे ऑल इंडिया कैंडिडेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट अटेम्प्ट नहीं कर पाता। वो कौन से हैं, वो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कोई अगर हमारे पास आ गए तो वो सबसे पहला काम अपने पास होना चाहिए, उसे अवॉइड करिए और सबसे लास्ट पोर्शन पे रखिए, क्योंकि समय अपने पास 20 मिनट तय है और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन भी तय है, उनमें से अगर कोई एक 5 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन के नए पैटर्न के क्वेश्चन आपसे टकरा गए, अगर इफ लगा रहा हूं, ध्यान रखिए जरूरी नहीं कि आएंगे ही, ये मत सोच लेना कि सर आपने बोला कि आएंगे, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी, स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे बात हो रही है न्यू पैटर्न का, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसे आपको क्या नहीं करना है, अटेम्प्ट सबसे पहले मिड में या कहीं पे भी नहीं करना है, तब तक जब तक कि सबसे लास्ट में ना पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है वो बहुत ही आसान हो
और हो सकता है कि बहुत ही टफ हो, तो ये जुआ खेलने के लिए नहीं बैठे हम लोग नहीं सोचेंगे कि वो कर पाएंगे नहीं। जो आगे देख ले पहले क्वेश्चन, जिसमें हम हमारी कमांड मजबूत है, जो हम पहले से देखे हुए, उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर ले। इस पे हो सकता है दिमाग ज्यादा लग जाए, जो समय अंतराल में हो जाना चाहिए था वो अभी फिलहाल ना हो। जैसे कि हमारे पास चाइनीज कोडिंग आई थी जब पहली बार मेंस में आया था, नो डाउट, लेकिन उसे बच्चे ने जब अटेम्प्ट करने बैठे तो बहुत लंबा समय लगा, और आज हम बहुत कम समय में लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा देखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस समय हो सकता है कि इसे हिट ना कर पाए, इसे तीसरे नंबर पर रखिएगा। फिर से अब आपको मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले वे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मैं पीछे वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा जरूर, कि पहले वे टॉपिक अटेम्प्ट करने जो ऑल इंडिया कैंडिडेट करता है। हमें अपने साथ साथ ऑल इंडिया को भी देखना है, क्योंकि हमें फर्स्ट डिवीजन एकेडमिक नहीं है, ये एकेडमिक है ना 60% ला दिया फर्स्ट डिवीजन आ गया, हमें सब फर्स्ट डिवीजन दिखाएंगे, नहीं, आपकी रैंकिंग क्या है, आप कौन से नंबर पे है, ये दैट इज कंपटीशन। हमें कंपटीटिव माइंड से वहां फाइट करना होगा। हमें अपने के साथ साथ ये भी देखना होगा सामने वाले जो हमारे कंपटीटर हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उनसे बेटर काम करना होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले वे जो ऑल इंडिया कैंडिडेट करता है उनको हम बीट कर लें, लेकिन तेज स्पीड के साथ। दूसरे नंबर पर हम आ जाएंगे सिटिंग पजल के साथ। सिटिंग पजल दूसरे नंबर पर हम लोग करेंगे, ताकि आपके पास प्रेशर ये ना रहे कभी यार सिलॉक्स होगा आगे तो उसको भी करना है, बीच में मत उठा लेना। नहीं तो बीच में उठाने का मतलब यह है कि आगे का पेपर एक पजल अगर गड़बड़ हुआ ना, आगे पूरा पेपर वो गड़बड़ कर सकता है। इससे बचने का सबसे सही तरीका लास्ट में करेंगे। और पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी पिक वही करिएगा जिसमें आपका कमांड मजबूत हो, क्योंकि जब पूरा पेपर आपने एक बार ओवर थ्रू किया है तो ऑन दैट टाइम आपके पास टाइम बचेगा ही बचेगा, जब आप ये सेलेक्ट कर सके कौन सा वाला पजल पहले करना कौन सा बाद में करना है। तीसरे नंबर वाले सेक्शन जो हमारे पास सी सेक्शन है न्यू पैटर्न का, अगर टाइम बचे तो इस पे आइए, और टाइम बच जाएगा अगर न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आया, तो टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से बनाइए कि इस पे हम आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं डिसाइड करने जा रहा हूं आप लोगों को कि कितने समय में ए कर लेना है, कितने समय में बी कर लेना है, और कितना टाइम बचा लेना है सी के लिए। जैसा मैं बात कर रहा था, अब आ जाते हैं फटाफट, देख लेते हैं स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए इन एग्जामिनेशन हॉल जो पेपर हमारे पास दिया हुआ। वर्बल सेक्शन से 12 से 15 क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, और यह एनालिसिस करने के बाद ही डाटा दिया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर और इस साल जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं वो, और यह पेपर भी पूरा ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट भी कंसीडर किया जा रहा है कि पेपर इजी ही रखेंगे और ट्रेडिशनल रखेंगे। वजह, इस साल के हर एक सेक्शन, चाहे वो SBI हो, चाहे RRB हो, चाहे आपका अभी PO का एग्जामिनेशन हुआ इंडियन बैंक PO का, उसके एग्जामिनेशन को भी ध्यान रखें, सभी लोगों ने पेपर इजी ही रखा एटलीस्ट प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के पेपर को ध्यान में अगर इस साल का रखा गया और प्रीवियस ईयर का, तो वो उन्होंने ट्रेडिशनल वे एक्वायर किया हुआ, उस चीज को ध्यान में रखें। तो 12 से 15 क्वेश्चन अपने पास वर्बल सेक्शन से होंगे पार्ट ए से, जिसे आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, और जो समय मैं दे रहा हूं वो 8 से 10 मिनट। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट, पजल के बारे में बात करें, 15 से 20 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, उसमें आपको 10 से 12 मिनट आपको टाइम मिलेगा, इसके वाइस वर्सा दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप सभी लोग। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग से टाइम और क्वेश्चन नहीं लॉक किया है। यह अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वह किसके सेक्शन में आएगा वो ध्यान दे दीजिएगा। हो सकता है न्यू पैटर्न का कोई एक नया कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, या डायरेक्शन ब्लड रिलेशन मिक्स करके कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वो किसी न किसी के टाइम स्लॉट में आएगा ना, इस या तो वर्बल के सेक्शन का आएगा या तो पजल वाले में कुछ नया पैटर्न कुछ डाल देगा, तो वह चीज जिसमें आया हुआ है उसमें आप इन्वॉल्व कर लीजिएगा। सच एज अगर ये डायरेक्शन प्लस ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ तो वह वर्बल सेक्शन का है, तो वर्बल सेक्शन से यहां से एडजस्ट करना होगा, इसको इसमें डालना होगा, इसी टाइम स्लॉट में इसको भी एडजस्ट करना, या हो सकता है नए पैटर्न का कोई पजल दे दिया हो सिटिंग अरेंजमेंट वो भी इस टाइम स्लॉट में इसको एडजस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर आपने बता तो दिया कि अपने पास मिशन IBPS PO 2018 के लिए ये सेगमेंट होगा, इस तरीके से पेपर होंगे और इस तरीके से हमें टाइम मैनेज करके लेके चलना है, पहले इसे करना है फिर बाद में इसे करना है, ये आएगा तो इसके बारे में सोचना है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि प्रैक्टिस लास्ट 3 डेज में कैसे क्या करना है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी सुनिए, कुछ नहीं करना, अपने इसी मेरे जस्ट ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है मेरा खुद का स्पीड क्विज जो कि अभी तक का बहुत फेमस रहा, आप सभी लोगों ने इस पे कंप्लीट किया हुआ, इसमें बहुत सारा लाइव कोर्सेज एंड ऑल चल रहा है जिसमें बीजी हूं, इधर भी नहीं चल पाया था, लेकिन रिसेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले फिर से स्पीड क्विज अभी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन तब तक जब तक ये वीडियो आपने देखा, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं, अभी तक जितने 42 स्पीड क्विजेस हुए थे उन सारे स्पीड क्विजेस में क्वेश्चंस जो मैंने कराया, साथ ही साथ उसके शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं जो 30 सेकंड या 40 सेकंड में हो जाने चाहिए क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे अभी दिमाग में ये लगा रहे होंगे सर ये होता भी है क्या, ये पॉसिबल है, तो इसका डेमोंस्ट्रेशन 42 स्पीड क्विजेस किया है हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पे testbook.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो कि testbook.com ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि स्पीड क्विज कराइए, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल सीरीज थी, उसे आप देख जरूर लीजिएगा अगर आपके किसी भी सेक्शन में बहुत कमजोरी आ रही है, तो वो स्पीड क्विजेस आप अटेम्प्ट करिए, आपको वो वाले में परफेक्शन है आपका, तो नेक्स्ट
सही से बात है, प्लेलिस्ट है, नेक्स्ट वाले वीडियो पे चले जाइए। और साथ ही साथ ये सेक्शन मजबूत करने के लिए भी मैंने आप सभी लोगों के पास 12-13 क्लासेस दी हुई हैं YouTube पर ही, जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीलिम्स लेवल तक के क्वेश्चंस कैसे होंगे, कुछ अच्छे पूरे ट्विस्टेड, नॉन ट्विस्टेड, रेगुलर, ट्रेडिशनल, न्यू पैटर्न, सभी टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के पास डिस्कस किया हुआ है, उसे एक बार देख लीजिएगा। उसमें भी परफेक्ट वे क्या होना चाहिए किसी पजल और सिटिंग को सॉल्व करने के लिए, वो भी दिया हुआ। तो अभी फिलहाल आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तीन चीजें कर लीजिएगा, एक पजल की क्लासेस देखिए, दूसरा स्पीड क्विज की सारी क्लासेस देख जरूर लेना भाई, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपको यह क्लियर करना है तो कुछ ना कुछ माध्यम चूज करना होगा। आपको लगे हाथ कमेंट भी दिखेगा ना, ऑल इंडिया कैंडिडेट कितनी स्पीड के साथ सॉल्व कर रहा है, वो आप भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, खुद को जज करिए। फिलहाल अभी मैं नहीं जज कर पाऊंगा, ठीक है, उस समय वहां पे जज कर सकता था, अभी फिलहाल खुद को जज करिए। और साथ ही साथ कभी भी दूसरा नंबर पे जो आपको काम करना है वो है पजल की क्लासेस भी देख डालिएगा, सही वे क्या होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। हर टाइप के पजल जो प्रीलिम्स लेवल के वो मैं करके दिखाया हूं, जो 1 in 3 रूल है उसे भी एक बार सीख लीजिएगा। अप्लाई करने का भी आपके पास समय नहीं है, लेकिन देख जरूर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब करने जाओगे ना, इंडियन बैंक पेपर देख के देखिए और किसी वीडियो को उठा के देखिए, सब कुछ रिलेट करता हुआ नजर आएगा। SBI का पेपर देख लीजिए, RRB का पेपर देख लीजिए, सब कुछ रिलेट करता हुआ नजर आएगा, वही स्पीड क्विजेस। तो आज जो हिंट दे रहा हूं वह भी एक्वायर कर लेना, देख लेना, अच्छे तरीके दिमाग बैठा लेना, ठीक है। अगर इसके बाद जो तीसरा नंबर आया है वह है थोड़ा स्पीड टेस्ट दे लीजिएगा। पास आई थिंक कल एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर आने वाला है, या आज कल में आने वाला है, वो textbook.com ऑफर दे रहा है कि आपका पूरा ईयरली पास, कोई भी आप परचेस करते हो, कोई भी टेस्ट पेपर देते हो, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, कुछ भी देते हो, सारा पूरा एक साल का पास जो है 300 या 400 रुपए में आ रहा है, तो उसे आप परचेस कर लीजिए। ये आपके नॉर्मल पॉकेट मनी जो हफ्ते भर की होती है उससे कम प्राइस में पूरे साल का पास मिल जाएगा। कोई भी पेपर आप प्रिपरेशन करते हो, बैंक, कलर, PO, अलग अलग नहीं लेना होगा, एक ही पास में सब कुछ, उस पर भी आप स्पीड टेस्ट देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पूरे ओरिएंटेड हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दिस वीक आप मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, जो कि sam.asare@textbook.com है, देख लीजिए। किसी भी टाइप की मन में डीमोटिवेशन आ रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, जरूरत पड़ी तो हम आपसे बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और textbook.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपके एनालिसिस के टाइम। अगर आपका पेपर आप चाहते हैं कि लाइव आप सभी लोगों के आप एनालिसिस यहाँ दे दें, तो आप हमें अपना डिटेल भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम उस दिन आपसे कम्युनिकेट कर सकें। डिटेल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने के बजाय आपका नंबर होगा, क्योंकि वो प्राइवेट होगा, अपना डिटेल मुझे हैंगआउट कर दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर मिशन IBPS PO 2018, क्योंकि एग्जाम आपका है, फाइट भी आप होंगे और फतह भी आप ही की होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।